बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन बहुत जल्द 1995 में रिलीज हुई क्लासिक फिल्म कूली नंबर वन के रीमेक में दिखाई देंगे। हाल ही में वरुण धवन के पिता फिल्म मेकर डेविड धवन ने भी कूली नंबर वन का रीमेक बनाने को लेकर आधिकारिक घोषणा की थी, लेकिन अब इसका पोस्टर रिलीज हुआ है। इस पोस्टर में बिल्ला दिखाई दे रहा है जिस पर लिखा हुआ है WRLY नंबर वन। आपको बता दें कि वेस्टर्न रेलवे नंबर वन लाइसेंस का पोस्टर है ये। वहीं वरुण धवन ने खुद सोशल मीडिया अकाउंट पर यह पोस्टर जारी किया। इसके साथ वरुण ने कैप्शन में लिखा, आज का दिन अगले साल आएगा कूली नंबर वन, होंगे कमाल। यानी 1 मई 2020 को कूली नंबर वन रिलीज की जाएगी। पोस्टर रिलीज होने के साथ ही कूली नंबर वन की रिलीज डेट भी सामने आई। वैसे आपको बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग अभी तक शुरू नहीं हुई है, लेकिन स्क्रिप्ट पूरी तरीके से फाइनल है। लेकिन खबर है कि फिल्म मेकर डेविड धवन ने सुपरहिट कूली नंबर वन का रीमेक बनाने का मन बना लिया है, साथ ही हीरोइन भी फाइनल है। मिली जानकारी के अनुसार इस फिल्म में वरुण के अपोजिट केदारनाथ गर्ल सारा अली खान दिखाई देंगी। ये फिल्म पहली बार होगा जब सारा और वरुण की जो जोड़ी है एक साथ कमाल करेगी। अगर बात करें कूली नंबर वन के रीमेक की, तो फिल्म के प्लॉट में भले ही फेरबदल ना किया गया हो, लेकिन यह ओरिजिनल फिल्म से कई मायनों में अलग नजर आएगी। साथ ही फिल्म के कुछ पुराने ओरिजिनल गाने भी दिखाई देंगे। आपको बता दें कि साल 1995 में रिलीज हुई कूली नंबर वन की मुख्य भूमिका में गोविंदा और करिश्मा कपूर नजर आए थे। इस फिल्म में उनकी केमिस्ट्री आज भी दर्शकों को बेहद पसंद आती है। फिल्म में गोविंदा डबल रोल निभाते हुए दिखाई दिए थे। उम्मीद करते हैं कि कूली नंबर वन की रीमेक दर्शकों को खूब पसंद आए और बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करके नए रिकॉर्ड बनाए। आप कितना एक्साइटेड हैं वरुण के इस नए वेंचर के लिए, हमें कमेंट करके अपनी राय बताएं। सब्सक्राइब करें देखो देखो, जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ी आपको हर खबर ये मिलती है सबसे पहले।